बट फिलहाल तो यार इसकी जो देखो ये क्लिप देख रहे हो इसकी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। ये क्लासिक 500 एक है ब्लैक कलर वाली, आई हैव अ सी ग्रीन क्लासिक कलर। ओके सुबह फिलहाल तो यार मैंने ले लिया है माइक जो कि मैंने लिया लेवलियर गो रोड का, क्योंकि इससे ऊपर भाई कोई माइक नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो है सैंडविच जो कि मैंने फिलहाल लिया वेज सैंडविच एंड इनका है चिकन सैंडविच। पहले जो कमेंट आया ना भाई RIP वॉइस क्वालिटी, नया माइक खरीद ले भाई, माइक खरीद ले तेरे पास पैसे नहीं है खरीदने। सब्सक्राइब टू IPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, IPM व्लॉग्स बैक हियर एंड भाई एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट व्लॉग कि भाई मेरे घर पे आने वाला है कल एक ऐसा बंदा जो कि आप जानते ही होंगे, वो भी यूट्यूबर है, तो वो है JD व्लॉग्स। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो ये क्या है? मैं कुछ लेके घूम रहा हूं। इतनी सारी टेप्स, इतनी क्या टेपें करनी है आपको? मैं यार इसलिए लेके घूम रहा हूं क्योंकि आज कुछ करने लगे हैं मस्त वाला काम। तो भाई आज अपना मोटर ब्लॉग सेटअप हो जाएगा ठीक, क्योंकि भाई मेरे को इन्होंने कॉल किया, इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा मोटर ब्लॉग सेटअप में मतलब क्या आवाज़ आ रही है। मैंने बोला पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी हरकतें कर ली, मैंने चेन गार्ड लगा दिया, उस पर डक्ट टेप लगा दी, बट फिर भी ना कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, एक बार मैं आपके घर आता हूँ, करता हूँ पूरा हेलमेट को ढंग से ठीक। तो वो रहा मेरा हेलमेट एंड उसको भाई आज करते हैं पूरा ढंग से ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही काम होना मैन जैसा और ना। फिर चलो को लेकर चलूंगा एक राइड पे भी और देखते हैं कि कैसे आप पूरी आती आवाज़ पे जाएंगे। एक जगह घूमने के लिए भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर ही। तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं जल्दी से आज के ब्लॉग को। एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू अनदर डेली ब्लॉग, तो कंटिन्यू करें ब्लॉग को। एब्सोल्युटली चलो चलो। तो भाई यहाँ पे हेलमेट है JD अंकल का जो कि बेल का हेलमेट है, देन यहाँ पे मेरा हेलमेट है जो कि AGC का है। एंड इनका जो पूरा सेटअप है वो है कि GoPro Hero 7 का यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, एक हाउसिंग जिसमें नीचे लगा हुआ है अडैप्टर, जो मेरा अडैप्टर है वो लगा हुआ है वहाँ पे लेफ्ट साइड में ठीक है। ये रहा मेरा पूरा अडैप्टर जो कि MCL से फिक्स करा हुआ है। यहाँ पे मेरा हीरो 8 है। बाकी यार यहाँ पे मैंने एक नया माइक तो ऑर्डर किया था, बट इसमें भी क्या दिक्कत आई है लेट मी शो यू, कि जो इनका माइक है इसमें इफ़ यू कैन नोटिस यहाँ पे ना दो ब्लैक लाइंस है ठीक है, बट द माइक विच आई गॉट इज़ हैविंग 3 ब्लैक लाइन्स। तो जिस का जो अडैप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें दो लाइन है, बट जो माइक है उसके अंदर है 3 लाइन्स। तो इस वजह से जो मेरा मेन माइक है जो मैंने ऑर्डर करा हुआ बैंगलोर से, वो तो बहुत टाइम बाद आएगा, बट फिलहाल तो यार इसकी जो देखो ये क्लिप देख रहे हो इसकी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अडैप्टर में लगा लगा के, क्योंकि ये इधर उधर होती रहती है। तो अब यार इसी से थोड़ा काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो इफ़ यू कैन नोटिस थोड़ी टेढ़ी है, बट स्टिल अभी करते हैं ना वो सेटअप जल्दी से ढंग से जुगाड़ ठीक है। सो ये पूरा इनका सेटअप है, यहाँ पे पूरा MCL से हुआ हुआ है डन। यहाँ पे इन्होंने दो जे माउंट लगा रखे हैं और यहाँ पे इनका हीरो 7 जहाँ पे ये लगी हुई है इसकी अडैप्टर की टाइप सी केबल। भाई अब जल्दी से करते हैं ये काम पूरा ढंग से डन एंड आपको लेके चलता हूँ राइड पे। A few moments later. So फिलहाल अभी सीन क्या है कि जो मेरा सेटअप है वो हो चुका है डन माइक का। अभी हैं फिलहाल तो दो चांसेस क्या हैं, या तो आपको आएगी बिल्कुल बटरी स्मूथ साउंड माइक की, माइक हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया, या तो आपको आएगी पहले ऐसी साउंड। एंड अभी मेन सवाल ये कि बाइक चलाऊंगा कौन सी मैं? हाँ वो तो है। आगे कौन सी बाइक है? क्लासिक 500। तो आज तक मैंने रॉयल एनफील्ड की सिर्फ दो ही बाइक चलाई है, कॉन्टिनेंटल GTO मैंने चलाई है, हिमालयन। तो फिलहाल मैं चलाऊंगा आज पहली बार क्लासिक 500। तो चलें फिर राइड पे छोटी सी यानी चलाएंगे टाइगर मेरी ठीक है। चलो तो चलते हैं, तो चलते हैं कैमरा रखता हूँ ये वाला घर पे एंड आपको सीधा मिलता हूँ GoPro। चलो जल्दी ही चलते हैं। भाई फिलहाल तो यार मैं भी चला के आया हूँ बुलेट एंड लिटरली मेरा एक्सपीरियंस है बड़ा अजीब सा, मेरे को लगा पहली बार चला के इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन भाई। ट्रैक्टर है ये तो चलाते कैसे हो भाई? आदत पड़ी हुई है मेरे को। ये तो ये कौन सी थी? क्लासिक 500। ये क्लासिक 500 एक है ब्लैक कलर वाली, आई हैव अ सी ग्रीन क्लासिक कलर। ओके तो यार लिटरली जो मेरा चलाने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग से मेरे को लगा आज चला कर ये बुलेट को। एंड अब बात करते हैं माइक की, देयर इज अ इशू। सो फिलहाल आई एम लिविंग फॉर लाजपत नगर। यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें 2-pin अडैप्टर मेरे पास में है जो कि अडैप्टर तो टूटा हुआ है आई बिलीव, बट स्टिल दिक्कत पता ही आ रही है। यहाँ पे 3 pins हैं ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 pins हैं और इनके वाले माइक में 2 pins हैं। मैंने तो वैसे माइक ऑर्डर करा हुआ बैंगलोर से, बट स्टिल अब मेरे को ना
बिल्कुल होती है ना, अति हो चुकी है भाई, खराब आवाज़ आ रही है। तो पूरा हमने सेटअप तो इनसे कर दिया, बट अब दिक्कत सिर्फ माइक की है। तो फिलहाल जा रहा हूँ लेने के लिए माइक, और स्पेशली माइक लेने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम भी था, वो काम क्या को बताऊँगा वहीं पहुँच के, एंड काम तो नहीं वैसे कुछ खाने की चीज़ है। चलो चलते हैं राजपथ नगर, इसी बहाने भाई माइक भी ले लूँगा। A few moments later. So, भाई फिलहाल तो यार मैंने ले लिया है माइक, जो कि मैंने लिया लेविलियर गो रोड का, क्योंकि इससे ऊपर भाई कोई माइक नहीं है, इसमें टू प्लेन्स हैं ब्लैक की। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच आई गॉट हियर। मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था जो मेरा था कोडक का, बट मेरे को लगा कि उसकी जो वायर है वो बहुत लंबी है, एंड अगर पैसे खर्च करने तो एक बार अच्छी क्वालिटी लो एक ही बार में, तो ले लिया मैंने। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट वन। जो वैसे कॉस्ट है लगभग 6 के आसपास है, शायद 6750, बट यहाँ पे मेरे को मिला बहुत अच्छा रेट, मेरे को अराउंड मिला 4800 का। सो यह अच्छा रेट मिला, अब यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और लाजपत नगर क्यों आए हैं। सो भाई फिलहाल तो आई एम हियर एट गोल्डन पियासा, जहाँ पे भाई मिलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे सैंडविच। मतलब यहाँ पे मेरे फ्रेंड लेकर आए थे, और यहाँ का जो सैंडविच है ना, मेरे को उससे लिटरली लाइक अच्छा सैंडविच मैंने आज तक कभी नहीं खाया। सो यहाँ पे यू टिकट है लाइक यहाँ पे केक्स वगैरह आपको मिलती है, वेला केक्स एंड ऑल इन द मेन्यू है। तो फिलहाल वी हैव ऑर्डर्ड वन वेज सैंडविच, वन नॉन वेज सैंडविच, छोटी जो खाएंगे ये तो ये खा रहे नॉनवेज सैंडविच, एंड साथ में वी ऑल्सो ऑर्डर टू कोल्ड कॉफीज, वन विदाउट आइसक्रीम एंड वन विद आइसक्रीम। तो अभी फिलहाल आपको दिखाता हूँ सैंडविच, एंड आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्लेटर भी, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटर है। तो भाई देखो यहाँ पे तो आ चुकी है कोल्ड कॉफी, जो कि है विदाउट आइसक्रीम, एंड यहाँ पे है विद आइसक्रीम कोल्ड कॉफी। एंड यहाँ पे हमारे आइडी है सचेज कोल्ड कॉफी, मैंगो जूस, ऑरेंज, यहाँ पे रोज़ है, कोला, एंड अगेन ऑरेंज। एंड यहाँ पे फिलहाल केक भी अवेलेबल नहीं है, बट यार यहाँ पे जो कोल्ड कॉफी है वो अमेजिंग है। तो अभी फिलहाल आई एम वेटिंग फॉर द सैंडविच। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने एक और लिया है प्लेटर, जो कि है टोटल चिकन वाला। तो इसमें क्या क्या दिया? राइस, चिली चिकन बोनलेस, हाँ जी, चिली चिकन विंग्स, ओके, चिकन कबाब, मटन कबाब। ओके, डिलीशियस है ना, बहुत बढ़िया है यार। तो फिलहाल तो मेरे जगह सैंडविच वगैरह भी पैक, तो इसमें ट्राई करेंगे गाड़ी में। फिलहाल तो भाई इसको देख के मज़ा आ रहा है अभी। तो भाई यहाँ पे तो है सैंडविच, जो कि मैंने फिलहाल लिए वेज सैंडविच, एंड इनका है चिकन सैंडविच, चिकन स्पेशल सैंडविच। तो एक बार खा के बताओगे सर? ओके, मैं ट्राई करता हूँ, सबको दिखाता हूँ। टोटल इसमें दो तीन लेयर्स हैं सैंडविच की, यहाँ पे बीच में कोल्सलो और क्यूकम्बर, ऊपर टोमेटो है। लेट्स ट्राई दिस, एंड ये मैंने सैंडविच। भाई टेस्ट अभी भी वैसा ही है, मज़ा आया खा के, अब मस्त विजिट है अगर आता लाजपत नगर में गोल्डन फिएस्टा सैंडविच, अमेजिंग सैंडविच। सो भाई देखो यहाँ पे तो है नॉनवेज प्लेटर, ठीक है, बाकी इफ आई शो यू यहाँ पे राइस हैं, चिकन विंग्स हैं, चिकन कबाब है, देन मटन कबाब है, एंड एक बार ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट में। मैं चिली चिकन भी डाल रखा है यहाँ पर, शायद ये तो चिकन सीख है, मटन सीख है, टेस्ट आए भाई। आई नो मैंने लास्ट टाइम खाया था प्लेटर, क्योंकि मैं खाया था नेहरू प्लेस का, एंड दिस इज लाइक कंपैरेटिवली गुड, बट अगर हेल्प कब खाओगे ना बैटर वो तो अलग ही है, ठीक है। अच्छा, आई हैव वन चैलेंज फॉर यू, बोलिए। यू हैव टू ईट दीज 10। नहीं कराओ यार, पेट बहुत भरा हुआ है। नहीं नहीं, आपने लगातार ऐसे 10 बॉक्सेस खाए। मैं वही कह रहा हूँ, मत नहीं, पेट भरा हुआ है भाई, नहीं खा सकते। मैं बोलूंगा तो बता। अच्छा, आपने मेरे वो देखे फूड ईटिंग चैलेंजेस? नहीं, मैंने देखा नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू, आई एट वन महाराजा मैक, वन फ्रेंच फ्राइज, एंड वन मैक चिकन, वन मैक आलू टिक्की, वन पिज्जा मैक पफ, वन मैक फ्लरी, एंड वन लार्ज कोका कोला। कितने दिन का भूखा था तू? एंड इन अ स्पैन ऑफ आई गेस जस्ट 12 मिनट्स। भाई मैं वही कह रहा हूँ, कितने दिनों के भूखे थे आप? क्या बताऊँ भाई, मेरे ना केक ईटिंग चैलेंज में मेरी जान निकल गई थी कि केक खाने कैसे। मैंने लिटरली दो केक मंगवाए थे, वैसे एक नहीं खाया गया। तो जल्दी से खाता हूँ इसको, एंड आई विल मीट यू व्हेन द फूड इज डन। सो भाई ये निकाल दिए पुराने वाला माइक फिलहाल तो, ठीक है, ये पुराने वाला माइक है, पता है, ये देखो नया, ये है नया वाला माइक, तो इसको तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है ना? ना ना, ऐसे ही फिट कर देंगे, ठीक है। और ये देखो, ये है माइक, और इसकी क्वालिटी देखो, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें भाई देख लो, दो पोर्ट्स हैं, और पहले पुराने वाला पोर्ट था, देखो वो टेढ़ा हो गया था थोड़ा सा, नोटिस, ठीक है। तो अब दिख चला के देखते हैं, अब आएगी बढ़िया क्वालिटी? बिल्कुल बिल्कुल, होप। थैंक यू सो मच, आप इतनी हेल्प कर रहे हो यार, ऐसा कैसे। सो यार फिलहाल तो मैं निकल चुका हूँ, एंड मैंने कर लिया माइक को इंस्टॉल, गोप्रो में थोड़ी सी कर दी है सेटिंग्स, माइक को लेकर के छोटी मोटी सेटिंग करनी पड़ती है भाई, और छोटी मोटी सेटिंग की वजह से ही कभी कभार ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बस वो मैंने कर दी है। तो इस बार आपको होपफुली आ रही हो, बाकी बार थोड़ा सा करते हैं स्ट्रेच भी बाइक को, ऐसे पता लग जाएगा कि आपको आ रही है भाई अच्छी आवाज़। तो यहाँ पर थोड़ी सी खाली सड़क मिल जाएगी शायद से, हाँ थोड़ी सी मिली है। या भाई क्वालिटी तो सही होगी आई बिलीव, बाकी यह देखते हैं। सो भाई शायद आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आ रही है, अगर बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आ रही है ना
तो भाई एक प्यारा सा यार कमेंट कर दो यार, बहुत सही वाला यार। मतलब पहला जो कमेंट आया ना भाई, RIP वॉइस क्वालिटी, नया माइक खरीद ले भाई, माइक खरीद ले, तेरे पास पैसे नहीं है खरीदने, मतलब यार क्या कमेंट आ रहे थे। RIP रेस्ट इन पीस GoPro। अरे भाई भाई GoPro की बड़ी दिक्कत हो गई थी, बट चलो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। चलो जी अब आपको सीधा मिलता हूँ मैं अपने घर पे। सो भाई पहली बार आई कैन से कि अपनी वॉइस क्वालिटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा सही। स्टार्टिंग में मेरे को पता है आपको आई होगी थोड़ी सी दिक्कत बुलेट वाली GoPro फुटेज में, बट अभी आपने जो देखी दैट वॉज द मेन GoPro क्वालिटी। थैंक यू सो मच। अरे नहीं बहुत क्यों 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 थैंक यू कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि भाई वो जो मेरे को लोग बोलते हैं ना कि GoPro की सेटिंग्स क्या है, एक बार जरा GoPro की सेटिंग्स देखो। तो भाई जो मेरी GoPro की सेटिंग्स है ना देखो कुछ ऐसी हैं, सुपर व्यू मैंने कर रखा है और यहाँ पे अगर बात करूँ तो बिट रेट वगैरह हाई है, तो जो रॉ ऑडियो है वो रखी हुई है बिल्कुल हाई पे, जो माइक्स हैं वो रखे हुए हैं ऑटो पे। सो बस यही अपनी कर रखी है सेटिंग्स, बस माइक्स ऑटो पे कर दिए, रॉ ऑडियो हाई कर दी, दैट्स ऑल। प्रेफरेंसेस में जाके स्टैंडर्ड माइक करना, ठीक है। स्टैंडर्ड माइक करना, कोई पावर माइक मत करना, स्टैंडर्ड माइक प्लस भी है वो मत करना, स्टैंडर्ड माइक करना सिर्फ। मतलब मैं लिटरली बहुत दिनों से तंग हो रहा था कि यार भाई संडे राइड पे जाऊंगा तो वॉइस क्वालिटी नहीं आएगी, तो भाई अब फाइनली GoPro Hero 8 हो चुका है, अपना सेटअप हो चुका है, मोटो व्लॉगिंग सेटअप डन, माइक जुड़ चुका है टेप से प्रॉपरली, एंड भाई अब बस मोटो व्लॉग्स आने वाले तगड़े तगड़े, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे को एंड प्रेस द बेल आइकन, इनको भी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस चैनल JD Vlogs Delhi। मुझे पता है कि जो आज का व्लॉग है थोड़ा सा हो गया लंबा, बट स्टिल भाई बोलते हैं ना कि देर से मिला बट दुरुस्त मिला। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं आपके फिर मिलता ही लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करते रहो। मतलब भाई मेरे को याद है कि पहले मैं संडे राइड पे गया, वहाँ पे मेरे को दिक्कत भाई मैं लेता था, आई यूज टू टेक वॉइस ओवर्स एंड ऑल, बट स्टिल भाई अब हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, मिलता हूँ आपसे कल सुबह 11:30 एक और डेली व्लॉग में। टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब कर देना YPM Vlogs को एंड JD Vlogs Delhi को, ठीक है। बाय एंड स्टे सेफ।